अच्छा दोस्तों, मैं सचिन, आज हम आपको मार्च महीने के इम्पोर्टेंट डे कराएंगे और उनके थीम कराएंगे। इससे पहले हम दो वीडियो निकाल चुके हैं, जनवरी की और फरवरी की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्च, मार्च मंथ के इम्पोर्टेंट डे और उनकी थीम। ठीक है दोस्तों, तो 1 मार्च को, 1 मार्च 2020 को आता जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, शून्य भेदभाव दिवस। क्या दोस्तों? शून्य भेदभाव दिवस। और इसकी जो थीम है इस साल की 2020 की, वो है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आएगा 3 मार्च। 3 मार्च को आपका बनाया जाता है वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इसको बोलते हैं विश्व वन्य जीव दिवस। क्या होता है दोस्तों? विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया था? 3 मार्च को। और इसकी इस साल की थीम क्या रही थी? इसकी थीम रही थी आपकी जो थीम थी आपकी वो थी सबस्टेनिंग 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 ऑल सबस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन दी अर्थ। तो 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सबस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा इंपोर्टेंट डे है। अब आता है 7 मार्च। 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। क्या मनाया जाता है? जन औषधि दिवस। 7 मार्च 2020 को कौन सा दिन मनाया गया था? जन औषधि दिवस। ठीक है दोस्तों, अब 8 मार्च को, ये 8 मार्च 2020 ये ना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 8 मार्च वाला, 8 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और इस साल इसकी थीम क्या रही थी दोस्तों? अगर हम थीम की बात करेंगे तो थीम क्या रही थी इसकी? थीम रही थी इसकी आई एम जनरेशन। थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई एम जनरेशन इक्वेलिटी, आई एम जनरेशन इक्वेलिटी रियलिटी, इक्वेलिटी रियलिटी, इक्वेलिटी रियलिटी वुमेन्स राइट, ये इस बार की थीम थी। ठीक है दोस्तों, तो 8 मार्च को ये ना इंपोर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है कई बार और ये पूछा भी जा सकता है। तो 8 मार्च 2020 को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे।
अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन सा डे आएगा? अब आगे डे आएगा आपका 14 मार्च। 14 मार्च को होता है वर्ल्ड किडनी डे, यानी कि विश्व किडनी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व किडनी दिवस। ठीक है दोस्तों, और इसकी थीम क्या रहेगी? इसकी थीम भी जान लो, वर्ल्ड किडनी डे की थीम क्या होगी? थीम क्या थी? इसकी थीम थी दोस्तों किडनी हेल्थ, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन फ्रॉम प्रिजर्वेशन समथिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये थी, तो 14 मार्च की जो वर्ल्ड किडनी डे थी, इसकी थीम क्या थी? किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन फ्रॉम प्रिजर्वेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मार्च है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके डे तो इसमें से एक या दो डे तो तुम मान ही लो, आना ही आना है पेपर में। तो आगे चलते हैं। अभी मैंने बताया आपको 14 मार्च, 14 मार्च से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा आपका 15 मार्च। 15 मार्च को बनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे। कौन सा? वर्ल्ड कंज्यूमर डे। कौन सा दोस्तों? वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे। पंद्रह मार्च को नया था वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ठीक है दोस्तों, और इसकी थीम क्या थी इस बार? इसकी जो थीम रही थी इस बार वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की, उसकी थीम थी आपकी द सस्टेनेबल कंज्यूमर्स। पंद्रह मार्च को मनाया गया था वर्ल्ड कंज्यूमर डे। ठीक है, और आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं आगे का। अब आगे देखिए आप, 20 मार्च, 20 मार्च, 20 मार्च को आपको क्या मनाया गया था? वर्ल्ड स्पैरो डे। इसका हिंदी मतलब होगा विश्व गौरैया दिवस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। बीस मार्च को मनाया गया था वर्ल्ड स्पैरो डे, और इसकी थीम क्या रही थी इस बार? इसकी जो थीम रही थी वर्ल्ड स्पैरो डे की, वो थीम रही थी दोस्तों आई लव स्पैरो। क्या रही थी? आई लव स्पैरो। क्या थी थीम? आई लव स्पैरो। ठीक है दोस्तों, तो यहां से स्टार्ट। 15 मार्च को गया वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, इसकी थीम हो गई द सस्टेनेबल कंज्यूमर्स। और 20 मार्च 2020 को मनाया गया था वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका है इंपोर्टेंट डे, वो है दोस्तों आपका
21 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वन्य दिवस। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी आपकी 2020 में, इसकी थीम क्या थी दोस्तों, इसकी थीम थी आपकी फॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी। क्या थी इसकी थीम? फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी। 21 मार्च 2020 को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इसकी थीम अब की बार थीम रही थी इसकी फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी। अब आगे चलते 21 मार्च के बाद आ जाएगा आपका 22 मार्च। 22 मार्च को तो सबको ही पता है, 22 मार्च को क्या मनाया था? वर्ल्ड वाटर डे। क्या मनाया था? वर्ल्ड वाटर डे मतलब विश्व जल दिवस। क्या है? विश्व जल दिवस। ठीक है दोस्तों, 22 मार्च को क्या मनाया था? विश्व जल दिवस। 22 मार्च को मनाया था आपका विश्व जल दिवस। ठीक है दोस्तों, और इसकी थीम क्या थी इस बार की थीम थी आपकी वाटर डे की थीम क्या थी? वाटर डे की थीम आपकी ये थी, 2020 की थीम क्या थी? थीम ये थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। 21 मार्च को मनाया था इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसकी थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी। 22 मार्च को मनाया था वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तेईस मार्च को मनाया था आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। इसको हिंदी में बोलेंगे विश्व मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्या बोलेंगे? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है दोस्तों, और इस बार की थीम क्या रही थी इसकी? इस बार थीम रही थी क्लाइमेट एंड वाटर। क्या रही थी इसकी थीम? और लिख लीजिए आप, इसकी थीम रही थी क्लाइमेट एंड वाटर। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। अब आता है 24 मार्च। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीवी डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टीवी डे। टीवी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, टीवी का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है दोस्तों, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इट्स टाइम। इस बार की थीम थी इट्स टाइम। क्या थी? इट्स टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये 23 मार्च को आया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसकी थीम थी क्लाइमेट एंड वाटर, और 24 मार्च को आया था वर्ल्ड टीवी डे, और टीवी मतलब ठीक है, और इसकी थीम थी इट्स टाइम। तो ये थी हमारे मार्च के इंपोर्टेंट डे के, मार्च
मार्च की इम्पोर्टेंट डे और उनकी थीम। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, लव यू दोस्तों।